त्रिपुरा का जो साइज है वो करीब करीब दिल्ली का एक लोकसभा के बराबर है, जस्ट वन लोकसभा का साइज है। उस छोटे से क्षेत्र में दो लोकसभा के सीटें, लेकिन वैसे जो है पॉपुलेशन वाइज डेंसिटी वाइज वन वन एंड हाफ लोकसभा से ज्यादा नहीं है, दो भी ले लीजिएगा। उस छोटे से राज्य में जिस तरह के वायलेंसेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल वायलेंस, तो आज जम्मू कश्मीर में जो चार हमारे बहादुर सैनिक शहीद हुए थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि देते हुए एक चीज आपको याद दिलाना चाहेंगे। एक तरफ टेररिस्ट एक्टिविटी है, यह हत्या जो है आतंकवादियों के द्वारा हुई है जम्मू में, मणिपुर और त्रिपुरा में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, गंभीरता से सुन लीजिए, ये सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। इस देश में एक आध कभी कभी प्रदेश में हुए हैं, पहले भी हुए थे बहुत छोटे से, लेकिन इस व्यापक रूप से अगर सरकार हिंसा में अगर शामिल हो रही है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मारने में इतने बड़े पैमाने में, इस देश में कभी नहीं देखा है। भारत जलाओ पार्टी, भारत जहरीली पार्टी इस देश को इस कगार पर ले जा रही है कि जो है उससे वापस आना बहुत ही मुश्किल है। वायलेंस जो है, हिंसा एक पॉलिटिकल कल्चर बन रही है इस देश में। लगातार कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता के ऊपर हमले हो रहे हैं। राहुल जी जब मणिपुर गए थे तो आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा है, हम लोग भी नहीं सोच रहे थे। अब त्रिपुरा जो इनके पेट भरा नहीं है मणिपुर से, अब जो है ये त्रिपुरा में इस तरह के जो है आतंकवादी गतिविधि शुरू कर दिए हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग इट वेरी सीरियसली टू ऑल ऑफ यू, इट इज स्केरी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और त्रिपुरा कभी न्यूज में जो है कम आता है। आप सोचिए दिल्ली में एक सफदरजंग हॉस्पिटल में जो हमले हुए थे, त्रिपुरा में रोज ऐसे 20 घटनाएं हो रही है, और दिल्ली जो है त्रिपुरा से 7-8 गुना बड़ा है। लेकिन त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट की आवाज पहुंच, और आप लोग सब लोग यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये रोज की घटना है त्रिपुरा में। हम तो अपने आप भुक्तभोगी हैं, तो इसलिए मैं फर्स्ट हैंड अकाउंट बता सकता हूं। जबरा तोड़ दिया, सब तोड़ दिया पिछले चुनाव में, एंड ये डायरेक्टली अमित शाह और मोदी जी की जिम्मेदारी है, और ये कराते भी हैं। अगर कोई ये बताए कि ये कराते नहीं है, संभव ही नहीं है, असंभव है, क्योंकि हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमला करने वाला बीजेपी के लोग हैं, और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, और ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि मणिपुर में स्थिति जो सेंचुरी से मैती और कुकी समाज के बीच में जो है संबंध अच्छा था, हिंसक कभी नहीं था। राजनीतिक सत्ता पाने के लिए मैती और कुकी के बीच में इन्होंने लड़ाई करा दिया। प्लीज रिमेंबर दिस, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। उनका गणित था कि मैती के सीट ज्यादा है, हिल्स में कम है, लड़ाई करा तो सत्ता में जिंदगी भर रहेंगे, तो देश को बर्बाद कर लिया एक बॉर्डर लाइन स्टेट को सिर्फ सिर्फ मणिपुर में सरकार बनाने के लिए। ये खेल अब त्रिपुरा में शुरू हो गया है, बिटवीन ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स। सत्ता में आए, देश जल जाए, कोई दिक्कत नहीं।